सबसे पहले हम हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसे रिकॉल कर लेते हैं डो यू रिमेंबर वॉट इज़ फैमिली ऑल द मेंबर्स हु लिव विथ यू इन योर होम टूगेदर इज योर फैमिली हु द मेंबर्स लिविंग इन योर होम योर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर फादर मदर यू एंड योर सिस्टर और ब्रदर एंड डो यू रिमेंबर स्टूडेंट्स वीच आर द कांड ऑफ फैमिली वी लर्न लेट्स रिपीट विद मी Nuclear or small family, second is joint family, and third is single parent family. So let's repeat it again: nuclear or small family, second is joint family, and third is single parent family. Like that, we have several families around us. टुडे वी आर गोइंग टू सी द अनदर पार्ट ऑफ अवर चैप्टर दैट इज़ रिलेट रिलेशनशिप्स इन अ फैमिली द रिलेशन द रिलेटिव ऑन आर फादर साइड्स आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव डू रिमेम्बर स्टूडेंट्स ये हम सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हमारे पापा के तरफ के रिलेटिव को हम पैटर्नल रिलेटिव कहते हैं वाइल्ड दोस्त ऑन आर मदर साइड रिलेटिव आर कॉल्ड मैटरल रिलेटिव मतलब हमारे मम्मी के तरफ के रिलेटिव्स को मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अवर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड पैटर्नर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आर मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स सेम एज़ अवर फादर्स ब्रदर इज़ अवर पैटर्नर अंकल एंड मदर्स ब्रदर इज़ अवर मैटरनल अंकल लेट्स मूव अहेड वी कैन डिवाइड अ फैमिली इन टू जनरेसन्स your grandparents are your first generation and your parents are your second generation and you are comes in third generation here i am giving you one activity read the following and write their generation send it in comment box on edmodo